बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मौसम है, लेकिन इस ब्यूटीफुल मौसम में हम लोग बहुत ही स्कैरी काम करने वाले हैं भाई। हम लोग आज उसके चंगुल में फंसने वाले हैं, सरवीन डांसिंग लेडी के, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है। देखते हैं गाइज आज क्या होता है। भाई डर तो लग रहा है, लेकिन मैंने जितने भी आइटम्स खरीदे हैं भाई, वेपन्स वगैरह, आर्मर्स वगैरह, वो जब से मेरे पास हैं तब से भाई थोड़ा डर कम हो चुका है। अब बस मुझे करना क्या है कि जो भी आर्मर है मेरे पास उनको मैं पहन लेता हूँ फटाफट, और जो वेपन्स है उनको मैं छुपा लेता हूँ। देखो वेपन्स के मैंने पहले तो बहुत सारे खरीदने के बारे में सोचा था, लेकिन इन द एंड मैंने दो टाइप के वेपन्स खरीदे हैं, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। देखो गाइज, एक तो मैंने शॉटगन खरीदी है जिसके अंदर 610 बुलेट्स इन टोटल, और फिर एक पिस्टल है जिसके अंदर भी 610 बुलेट्स हैं। तो भाई टोटल मेरे पास 1220 बुलेट्स होने वाली हैं, और आई थिंक इतना काफ़ी है भाई। मैंने दो टाइप की गन खरीदी है, आई थिंक इट्स इनफ, और मैंने आर्मर खरीदा है। अभी ये सब मैं छुपाऊंगा और आर्मर पहनूंगा, लेकिन मेरे को एक जगह चाहिए यार, एक सेकंड, कोई ढंग की जगह है जहाँ पर मैं छुप के ये सब पहन सकूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे आर्मर और वेपन छुपाते हुए देखे, पता चला किसी को शक हो जाए यार कि मैं कुछ खतरनाक सीन करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर तो मैं सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में पता लगाने के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। किधर, ओ हाँ ये थोड़ा एकदम सीक्रेट जगह है, इधर चलते हैं। इधर कोई भी नहीं है दूर दूर तक, मतलब इधर दूर दूर तक बंदे हैं बट इधर कोई भी नहीं है। इधर मैं शांति से जाके आराम से अपने बैग से आर्मर निकालता हूँ और फटाफट से आर्मर को पहनता हूँ। कहाँ पहनूँ मैं यार, मेरे को जगह नहीं मिल रही है। हाँ इधर पहनते हैं फटाफट आर्मर, लेट्स गो। तो बैग को मैंने यहाँ पर रख दिया है, आर्मर मैंने पहन लिया। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई आर्मर तो दिख ही नहीं रहा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट सीक्रेट आर्मर है भाई। देखो अगर मैं आर्मर ऊपर पहनूंगा तो किसी को भी क्लियरली दिख जाएगा और उसको शक हो जाएगा कि भाई ये बंदा आर्मर क्यों पहन कर आया है। इसीलिए मैंने ऐसा आर्मर खरीदा था जो कोई पता ही ना कर सके, और मैंने फिलहाल उस आर्मर को पहन लिया है। और अभी जो मेरे पास गन थी उनको भी मैंने छिपा लिया भाई, देखो कहीं भी नहीं है मेरे पास गन्स, और मैं फिर भी गन्स के एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से मैं रेडी हूँ आज की रात तबाही मचाने के लिए। एक बार वो सर्वेंट डांसिंग लेडी दिख जाए, बाकी बैग को मैंने यहीं छोड़ दिया है। छोड़ो बैग को, बैग का क्या है। और अभी फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं, लेट्स गो। अबे यार मैं तो फंस गया इसी जगह पे, अरे बाहर कैसे निकलूं मैं। अच्छा यहाँ से, चलो मेरी बाइक कहाँ है, ये रही। तो अभी फटाफट से इंतज़ार करते हैं गाइस बस रात का। ऐसे मैंने शिनचैन बिनचैन और चॉप को यार बताया नहीं है कि मैं जा रहा हूँ मैं सर्वियन डांसिंग लेडी के बारे में पता करने के लिए, उतना क्लियरली मैंने नहीं बताया यार, एक बार उन्हें बता देना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, वो लोग फिर मेरे को जाने से रोकने तो वाले हैं नहीं वो, बट फिर भी गाइज मैं नहीं बता रहा यार। जब मैं सर्वियन डांसिंग लेडी के बारे में सब कुछ सच पता कर लूँगा फिर जाकर ही उन लोगों को बताऊँगा। बाकी यहाँ पर मैं कितनी बार गिरूँगा यार अपनी बाइक से। अभी फटाफट से निकलते हैं और इंतज़ार करते हैं रात का। भाई बारिश तो बंद ही नहीं हो रही, रात तो देखो भाई हो चुकी है लेकिन बारिश नहीं बंद हो रही है। अब पता नहीं बारिश में वो सर्बियन डांसिंग लेडी बाहर डांस करने के लिए आएगी कि नहीं, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया भाई। इतनी बारिश में सर्बियन डांसिंग लेडी आएगी या फिर नहीं, देखते हैं। ज़रा घूमते हैं लॉस सैंटोस के अंदर, बट बंदे तो सारे भाग चुके हैं गाइस घर पे, कोई भी बाहर भटक नहीं रहा है, सारे बंदे पहले ही डर के छुप चुके हैं घर के अंदर। पिछली बार मैंने एक आंटी को देखा था गाइस, वो दूध लेने जा रही थी चाय के लिए। बताओ यार, अलग अलग सीन है, अलग अलग बंदे हैं, आज ऐसा कोई बंदा मिला नहीं मेरे को, कोई नहीं है आज तो बाहर, लिटरली में कोई भी नहीं है। बस ऐसी लाइटें वाइटें जल रही हैं सड़क की, और लाइटें तो वैसे भी चलेंगी, वो देखो ब्रिज पे कितनी खतरनाक लाइटिंग हो रखी है, लेकिन कोई भी बंदा अभी बाहर नहीं दिख रहा। और क्या खतरनाक यार बिजली कड़क रही है आज, अब कितनी बारिश होगी भाई, बाढ़ आएगी क्या लॉस सैंटोस के अंदर, लिटरली में यार बारिश ही नहीं बंद हो रही है। अगर बारिश होती रही तो मेरे को नहीं लगता आज मेरा सर्वेंट डांसिंग लेडी वाला प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा, फ्लॉप ना हो जाए यार। इतनी मेहनत की है मैंने इस प्लान के लिए, कब से भटक रहा हूँ मैं पूरे लॉस सैंटोस में। नहीं 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 भाई, प्लान वर्क करना चाहिए भाई, बहुत मेहनत लगी है इस प्लान के लिए। फिलहाल तो आई डोंट नो मैं किस रास्ते पर आ चुका हूँ, लेकिन एक तो ये बारिश बंद नहीं हो रही यार, हो जा भाई बारिश बंद, आज कितना बरसेगी ये बारिश, ऐसे तो लॉस सैंटोस में बारिश होती नहीं है, और आज देखो अलग ही लेवल की बारिश हुए जा रही है। अरे हो जा बारिश बंद, एक सेकेंड, ये मेरी बाइक, अरे मेरी बाइक में से धुआं क्यों आ रहा है, वेट व्हाट, ओ क्या हो गया, हेलो ओए, चलते चलते बाइक में आग कैसे लग गई यार, क्या ड्रामा है ये, व्हाट, अरे कैसे हो सकता है, हेलो ओ भाई साहब ब्लास्ट हो गई ये तो बाइक ही, लेकिन
क्यों? अरे क्यों भाई, कोई बताएगा मेरे को? कोई एक्सप्लेनेशन दो यार, क्या ड्रामा हो गया इस बाइक के साथ? अरे मैं तो अभी बस टहल ही रहा था यार उस सर्बियन डांसिंग लेडी को ढूंढने के चक्कर में, बाइक ब्लास्ट हो गई। लेकिन क्यों यार, तुम लोगों ने खुद देखा, मैं मस्त भगा रहा था बाइक, अपने आप ही बाइक में से पीछे से धुआं निकला और फिर आग से लग गई और ब्लास्ट हो गई सीधे बाइक। अरे यार, अब मैं बिना बाइक के सर्वियन डांसिंग लेडी की तलाश करूं ऐसी पैदल ही पैदल? एक तो ये बारिश नहीं बंद हो रही है, शायद गाइस बारिश बंद हो गई है। यस यस, फाइनली अभी किस्मत ने थोड़ा बहुत मेरा साथ दिया है। देख सकते हो क्लियरली तुम लोग, बारिश इस वक्त पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और यही टाइम है गाइस, सर्वियन डांसिंग लेडी पक्का आने वाली है। बाकी किधर जाऊं मैं? अरे मेरे पास तो एक बाइक थी, वो भी जल भुन गई यार, इतना अच्छा सीन हो गया था। देखो बारिश भी बंद हो गई थी, यही सही टाइम था यार बाइक लेके इधर उधर भटकने का और सर्वियन डांसिंग लेडी को ढूंढने का। लेकिन मेरी फूटी किस्मत भाई, पता नहीं कहां मेरी फूटी किस्मत कब तक फूटी रहेगी। लिटरली मैं बाइक खराब हो गई, मुझे तो लग रहा है भाई मैं शाम से इस बाइक को रगड़े जा रहा हूँ, सुबह से ही ठोके जा रहा हूँ इधर से उधर, इसी वजह से इस बाइक का ये सीन हो गया। चलो कोई नहीं, ढूंढते हैं इधर कहीं ना कहीं तो कोई दूसरा व्हीकल मिल जाएगा और फिर हम लोग सर्बियन डांसिंग लेडी की तलाश कर पाएंगे। फिलहाल फोन किसका आ रहा है? हेलो, एक सेकेंड, फोन शिनचैन का आ रहा है, लेकिन इसका फोन क्यों आ रहा है भाई, पता नहीं, उठाते हैं जरा। हेलो भाई शिनचैन, क्या हो गया? अरे अरे फेंक दिया, अरे अरे बहुत ज्यादा, अरे अरे जल्दी आ जाओ। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, जरा क्लियरली बोलेगा भाई तू? अरे यार वो हम लोगों ने बाहर नाचते हुए देखा है। किसको डांस करते हुए देख लिया? अरे वो सर्बियन डांसिंग लेडी है शायद, घर के बाहर हमारे। अरे जल्दी आओ। अबे काट दिया, अबे फोन काट दिया शिनचैन ने। पुलिस वाला क्यों भटक रहा है इधर? अच्छा ड्यूटी कर रहा है अपनी। अबे फोन क्यों काट दे, एक सेकंड फिर से कॉल लगाता हूँ मैं। रिंग जा रही है, फोन नहीं उठा रहा है यार शिनचैन। ओए हेलो उठा ले यार। नहीं भाई, फोन नहीं उठा रही है बिल्कुल भी, क्या ड्रामा हो गया ये। अरे उठा ले फोन भाई, उठा ले, रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है यार, इसका अलग ही सीन है। क्या हो गया, मैं क्या करूं, घर जाऊं क्या? जाना पड़ेगा भाई घर। क्या करूं मैं, अबे मेरी बाइक भी तो ब्लास्ट हो गई है एंड टाइम पे। हेलो सर, हेल्प मिल सकती है? कैसी हेल्प? वो मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई है, मुझे घर पे इमरजेंसी में जाना है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या, यहाँ पर सर्वियन डांसिंग लेडी का खौफ मचा हुआ है, तुम बाहर घूम रहे हो? सर घूम नहीं रहा मैं, मेरे को घर ही जाना है, गाड़ी मिल सकती है कोई? मिल तो सकती है लेकिन यार तुम हो कौन? अरे सर जल्दी दे दो, इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। अच्छा आगे पार्किंग से ले लो। कहाँ है पार्किंग? ये तो रही। अच्छा यहाँ गाड़ी कहाँ है? ऊपर होगी छत पे कहीं तो। अबे यार जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे गाड़ी चाहिए। अरे इस पार्किंग के छत पे जाने का रास्ता कहाँ से है? अरे सर कहाँ गए आप? हेलो सर। अबे यार एक तो उस पुलिस वाले ने हेल्प तो की नहीं। अरे ये तरह, हेलो सर वो गाड़ी मिल सकती है क्या? अरे इधर पुलिस स्टेशन है, जब वहां से ले लो। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे मैं फिर से आज पुलिस स्टेशन के पास ही आ गया था। अभी यार क्या सीन हो रहा है, ये सर्बियन डांसिंग लेडी मेरे घर के आगे क्या कर रही है? पता नहीं भाई वहां पर क्या सिचुएशन होगी, शिनचैन कैसे हैंडल कर रहा होगा, आई हैव नो आइडिया भाई, क्या ड्रामा है। ये रहा पुलिस स्टेशन, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। अरे यार पुलिस स्टेशन पे गाड़ी नहीं है क्या? दिमाग खराब हो रहा है यार, अलग ही लेवल का, क्या ड्रामा है ये। अबे लाइट भी चली गई, व्हाट? अरे क्या हो रहा है ये तो बिल्कुल उसी दिन की तरह सीन हो रहा है भाई, जैसा सीन मेरे साथ फर्स्ट डे पर हुआ था। तुम लोग याद करो गाइस फर्स्ट डे पर मेरे संग क्या हुआ था। मैं उस सर्बियन डांसिंग लेडी को ढूंढ रहा था और ऐसी लाइट चली गई थी और फिर मेरे को वो डांस करते हुए दिखी थी। पता नहीं क्या सीन है, बट जो भी हो यहाँ से फटाफट से घर निकलना पड़ेगा, जल्द से जल्द गाइस फटाफट से घर निकलते हैं, लेट्स गो। थोड़ा घर अपना दूर है यहाँ से, बट तेज भगाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। पता नहीं शिनचैन पिंचन किस हाल में होंगे इस वक्त। अरे वो तो अभी भी बाहर ही डांस कर रही है यार। भाई साहब यार क्या करे, समझ नहीं आ रहा। अरे हमारा घर चारों तरफ से पैक है, वो अंदर नहीं आ सकती। लेकिन भाई फिर भी यार। अरे क्या करे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यार। अरे मैंने तो फ्रेंड भैया को एक बार कॉल किया, फिर अपने आप ही कॉल कट हो गया बारिश की वजह से। तो भाई दोबारा कॉल कर। अरे यार दोबारा कॉल लगा ही नहीं। अबे लेकिन कलुआ ने तो दोबारा फोन किया होगा। अरे नहीं यार, फोन तो इधर आया ही नहीं ढंग से। अबे यार क्या करे, घर में तो एक बहुत ही खतरनाक वाला अंधेरा हो रखा है। अरे हाँ यार लाइट भी चली गई, एक बार देख कराओ क्या, कि क्या पता वो चली गई हो। मैं तो कह रहा हूँ एक बार देख क्या भाई शिनचैन। अभी देख कर आता हूँ। अरे जाता हूँ मैं अभी, लेट्स गो। मैंने वैसे टॉर्च भी ले रखी है यार। भाई साहब यार कुछ भी दिक्कत हो भाई बुला लियो। अरे क्या दिक्कत है यार, इतना ही तुम साथ देना चाहते हो तो चलो मेरे संग।
नहीं भाई, डर डर लग रहा है मेरे को। अरे कहाँ है? अरे वो अभी तक डांस कर रही है यार। अरे ये तो अभी तक इधर ही है। भाई आजा भाई, वापस आजा। अरे यार भागो भागो, ये अभी तक डांस कर रही है, भागो भागो भागो। आजा 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 भाई, चिंचन जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ भाई। भाई उसने तुझे देखा तो नहीं? अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं देखा। तो फिर ये यहाँ पर क्यों आ गई है? अरे ये तो यहीं पर आ गई। बहुत ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पर गाड़ी को भगाते हुए ला रहा हूँ, जिसकी वजह से रास्ते में मेरे कई बार ये गाड़ी ठुक गई है। हालत देख सकते हो भाई तुम लोग इस वाली गाड़ी की। बट स्टिल मैं फाइनली पहुँचने वाला हूँ। पता नहीं यार लेट ना हो जाऊँ। मैंने कई बार फोन ट्राई किया, फोन रिंग हुआ यार, उठाया नहीं उन लोगों ने। पता नहीं क्या सीन है। बारिश में तो एक तो ढंग से फोन भी नहीं लगता, और एक बार दोबारा उन लोगों ने फोन भी नहीं किया, सिर्फ एक बार ही फोन किया था। पहुंच गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहुंचने वाले हम लोग घर। लाइट क्यों चली गई है? एक तो ये लाइट का ड्रामा अलग ही है भाई, पता नहीं। वैसे जब जब ये लाइट जाती है भाई, तब तब ये सर्विन डांसिंग लेडी दिखती है। हो ना हो जैसा शिनचैन फोन पे कह रहा था कि एक लेडी डांस कर रही है, हो ना हो वो सर्बियन डांसिंग लेडी होगी। बाकी ये प्लेन है गैस जो मेरे बैड लक की वजह से यहाँ पर गिरा था, तो शायद लोग रिपेयर कर रहे हैं मिलके, पता नहीं क्या करेंगे उसका अभी। फाइनली चलो 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 चलो, ओके आ गए क्या? हाँ ये रही है घर। भाई सारे बैरिकेड वैरिकेड तोड़ दिए, क्या ड्रामा है ये। अरे किसने तोड़ दिए ये? कहीं लेट तो नहीं हो गया मैं आने में? कहाँ है वो सर्वे डांसिंग लेडी? किधर नाच रही है वो? हेलो हेलो, कोई है घर पे? तब तोड़ किसने दिए यार? पता नहीं, सबसे पहले तो टॉर्च लेकर आता हूँ। पुलिस वालों की गाड़ी है, टॉर्च तो होगी ही। नहीं यार टॉर्च नहीं है, मेरी शॉटगन में टॉर्च है। अरे टॉर्च है मेरे पास। ओ नाइस नाइस, लेट्स गो भाई, सही है, अपनी किस्मत थोड़ी बहुत तो ठीक है। ओके चलते अंदर की तरफ। अंधेरा एक तो इतना हो रखा है, ये लाइट पता नहीं क्यों चली गई है। ओके ओके ओके, और वो ये दरवाजा किसने तोड़ दिया? अरे ये दरवाजा किसने तोड़ दिया भाई? और शिनचैन पिंचन कहाँ हो बे तुम लोग? ओए ओए हेलो, ये कहाँ हो तुम लोग? मेरी टॉर्च खराब हो गई। हेलो, टॉर्च ही नहीं काम कर रही भाई अंधेरे में घर के अंदर। ओए हेलो, इधर हो क्या तुम लोग? ओ कहाँ पर हो भाई, कुछ तो बोलो। अरे यार ऊपर भी अंधेरा है, इधर आग जल रही है। कहाँ है यार ये लोग? कहीं भी नजर ही नहीं आ रहे पूरे घर में। ये भी टूटा हुआ है, खैर ये तो मैंने ही तोड़ा था। अंदर कोई नहीं है। अरे हाँ ये लोग इधर थोड़ी ना होंगे यार, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, ये तो अपने सीक्रेट बेस में होंगे। सीक्रेट बेस नहीं यार, इन लोगों ने वो जो सीक्रेट दरवाजा सा बना रखा है इसके अंदर होंगे ना पक्का ये लोग। इसको फटाफट से ओपन करते हैं। कोई नहीं अंदर। अबे कोई नहीं है अंदर। अरे सच में कोई नहीं अंदर? वो तो कहाँ गए ये लोग? वो सच में कहीं सर्विन डांसिंग लेडी पकड़ के तो नहीं ले गई भाई? वो मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, क्या ड्रामा हो गया है। ये दरवाजा वरवाजा टूटा हुआ है, जिस हिसाब से पक्का सर्विन डांसिंग लेडी ले गई। अबे लेकिन ऐसे कैसे कहीं भी ले जा सकती है वो? अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ यार मैं। आज तक जब मैंने पुलिस वालों से पूछा था भाई, तो उन लोगों ने कहा था कि आज तक सर्वेंट डांसिंग लेडी ने सिर्फ एक एक बंदे को उठाया है एक टाइम पे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम तीन लोगों को उठा लिया उसने, शिनचैन पिंचन और चौक। लेकिन एक सेकंड, क्या पता यार शिनचैन पिंचन इधर उधर भटक रहे हो। एक सेकंड मैं जरा ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्या पता इधर उधर मिल जाए। लेकिन नहीं भाई, वो तो पहले ही इतने डरपोक थे सर्बियन डांसिंग लेडीज, उनकी पहली हालत खराब हुई पड़ी थी, वो बाहर नहीं निकल रहे थे रात को घर से, तो वो बाहर तो निकले नहीं होंगे इस टाइम पे पक्का यार। वो सर्बियन डांसिंग लेडी उठा के ले गई, लेकिन अभी तक वो सिर्फ एक बंदे को एक टाइम पे लेकर जाती थी, इस बार तीन को उठा के ले गई। अरे क्या सीन हो गया यार ये। एक तो लाइट का पता नहीं है कुछ। आ गई, अबे लाइट आ गई, वो लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। जरा अब देखते हैं, क्या पता ये लोग छुपे हों डर के मारे अंदर, अंधेरे में कुछ ढंग से दिख तो रहा नहीं था। अब देखते हैं देखते हैं देखते हैं। नहीं इधर भी नहीं है कोई। अबे नहीं है यार कोई भी इधर, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। नहीं नहीं भाई, ये पक्का सर्वे डांसिंग लेडी ले गई भाई, वो सर्वे डांसिंग लेडी ले गई। क्या क्या होगा भाई, क्या करूँ मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ज़रा ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अभी भी मेरा प्लान फ्लॉप थोड़ना हुआ है। मैं जा रहा हूँ लॉस सैंटोस में वापस से गाइस, हाईवे वगैरह की तर्फ भटकने के लिए। देखते हैं क्या पता सर्विन डांसिंग लेडी हमें कहीं मिल जाए, तो हम लोग वापस से उसके चंगुल में फंस जाएंगे। वैसे भी मेरा प्लान बहुत ही सिंपल सा था कि सर्विन डांसिंग लेडी के चंगुल में फंसना है मुझे सामने से खुद, और फिर पता करना है कि वो रियल है या फिर फेक है।
तो अभी भी वो प्लान कर सकता हूँ मैं, और क्या पता इस बार प्लान वो सक्सेसफुल हो जाए तो मैं शिनचैन बिनचैन चौप तक भी पहुँच जाऊँगा और मेरा प्लान भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस यस गाइस, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, चलते हैं फटाफट से, चलते हैं ढूंढते हैं हाईवेज वगैरह पे, इधर उधर भटकते हैं, कहीं ना कहीं वो सर्वे डांसिंग लेडी फिर से डांस करती हुई दिखी जाएगी। वैसे भी वो बहुत खतरनाक है यार, तुम लोगों को याद होगा लास्ट टाइम भाई मैं जस्ट फंस गया था, मैं अपनी जान बचा बचा के भाग रहा था, और जैसी मैं अपनी जान बचा के भागा तो ये नहीं कि वो चली जाए, नहीं भाई, उसने लेमार को अपने चंगुल में फंसा लिया और उसको पकड़ के ले गई, समझ रहे हो तुम लोग, मतलब वो शिकार अलग अलग ढूंढती रहती है। तो आज फिर तीन लोगों को तो उसने पकड़ा है, क्या पता औरों को भी पकड़े, क्योंकि अभी रात बीती नहीं है भाई, ढूंढते हैं ढूंढते हैं ढूंढते हैं हाईवे वगैरह की तरफ ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं ये सर्वेंट डांसिंग लेडी मिली जाएगी दोबारा। चलो 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 चलो, लेकिन वो मेरे घर के आगे क्या कर रही थी यार, एक सेकेंड, कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया कि मैं उसके बारे में पता कर रहा हूँ, इसलिए उसने मेरे पते के बारे में पता किया और शिनचैन पिनचैन और चौप का पत्ता काट दिया। वेट, ये तो पूरी एक पोयम हो गई, लेकिन पोयम छोड़ो यार, सच में भाई कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया कि मैं उसके बारे में पता कर रहा था, हो सकता है इसीलिए शायद उसने मेरे घर पे ऐसा कुछ किया, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा भाई कि मैं उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहा था। कुछ नहीं यार, मैं पागल हो जाऊंगा और कुछ नहीं होने वाला, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ढूंढते हैं जरा पूरे लॉस सैंटोस में हाईवे वगैरह की तरफ, कहीं ना कहीं तो शायद मिल जाए। तो कौन सा हाईवे है, अच्छा फैक्ट्री एरिया की तरफ आ गया, चलो इधर भी देख लेते हैं, क्या पता इधर कहीं मिल जाए, कहीं तो मिल जाए। भाई ये तो सुबह हो गई, अब तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी चलने लग गई, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को ना सर्वेंट डांसिंग लेडी मिली, ना शिनचैन पिनचैन और चौप कोई भी नहीं मिला, क्या करूं मैं, लेस्टर के पास जाऊं क्या, उनसे फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करवाऊं शिनचैन और पिनचैन की, लेकिन उन लोगों के पास फ़ोन होगा नहीं यार। एक बार काम करते हैं गाइस, लेस्टर के पास चलते हैं उसकी हेल्प मांगने के लिए, लेट्स गो। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना चाहिए, तुम लोगों के पास कोई आइडिया है तो यार फटाफट से जाकर कमेंट में बताओ, मेरे को भाई कुछ आइडिया नहीं मिला ना, तो मैं लास्ट में अपना वही प्लान यूज़ करने वाला हूँ आज रात को, जो प्लान मेरा कल रात को होने वाला था लेकिन शिनचैन पिनचैन और चौप के किडनैप होने की वजह से नहीं हो पाया, वो प्लान मैं आज रात को एग्जीक्यूट करूँगा। और उससे पहले ज़रा लेस्टर के घर की तरफ चलते हैं, आ गया आ गया आ गया, लेस्टर के घर में आ गया, आगे से राइट लेना है, लेस्टर जग गया होगा इतनी सुबह, हाँ जग जाता है वो तो, बल्कि वो तो सबसे पहले जगता है इस मोहल्ले में। ओके ओके, जग गया, ये तो रहा, क्या कर रहा है ये, कॉफ़ी पी रहा है, भाई लेस्टर तू कॉफ़ी पी रहा है, अरे तुम्हें भी पीनी है तो आ जाओ यार। अबे नालायक के बच्चे, मेरे को कॉफ़ी नहीं पीनी है। तो क्या पीना है? अबे मुझे कुछ भी नहीं पीना है, मेरे को एक बात पता करनी है। क्या पूछो? शिनचैन पिनचैन और चौप को सर्वे डांसिंग लेडी पकड़ के ले गई। क्या बकवास कर रहे हो, वो लोग बाहर क्यों घूम रहे थे? अबे बाहर नहीं घूम रहे थे यार, मेरे घर से पकड़ के ले गई वो। क्या? हाँ भाई सचमुच। अरे लेकिन? लेकिन वेकिन कुछ नहीं भाई, वो सच में पकड़ के ले गई। अरे लेकिन अभी तक उसने किसी को घर से तो शायद पकड़ा नहीं था। तुझे कैसे पता? नहीं मतलब मैंने जितनी भी अफवाह सुनी उसमें मेरे को यही पता चला कि सर्वेंट डांसिंग लेडी तो सड़क से लोगों को उठा के ले जाती है, घर से तो नहीं। अबे नहीं भाई, लेकिन शिनचैन पिनचैन और चौप को वो घर से पकड़ के ले गई है। तुम एक काम करो, पुलिस वालों के पास जाओ, उनसे पता करो कि आज तक कितने बंदे घर से किडनैप हुए हैं। हैं? पता करो, एक बार जाके पता तो करो। चलो गाइस चलते हैं यार पुलिस वालों के पास, लेकिन तू कुछ हेल्प नहीं करेगा क्या? मैं क्या हेल्प करूँ, शिनचैन पिनचैन की फोन की लोकेशन ट्रेस करूँ? करियो जरा। अभी करता हूँ, उनके फोन की लोकेशन तो तुम्हारे घर पे आ रही है। अबे यार, अबे लेकिन मैंने उनको कल फोन किया था, फोन नहीं उठाया उन लोगों ने। अरे बारिश के टाइम पे आजकल फोन अजीब गरीब तरीके से लगते हैं यार। अबे मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। वैसे लेमार का कुछ पता चला? नहीं नहीं, लेमार का भी तो कुछ नहीं पता चला है। अबे यार ये लेमार भी किडनैप हुआ पड़ा है, उसे भी उस सर्वेंट डांसिंग लेडी उठा के ले गई है, और अब तो फिलहाल ये शिनचैन पिनचैन और चौप को भी पकड़ के ले गई है। पता नहीं गाइस क्या सीन है, बट मेरे को, मैं सच बताऊं तो मेरे को तो लग रहा है भाई ये किसी और की साजिश है। तुम लोगों को तो पता ही है भाई, हमारे लॉस गैंग, बेलास गैंग, इन वाली सारी गैंग से पंगे होते रहते हैं आए दिन। मुझे तो लग रहा है इन्हीं में से किसी ने किया है ये, लेकिन नहीं यार ऐसा होता तो वो ऐसे डांस करके क्यों किडनैप करते। कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, कुछ भी क्लियरली नहीं समझ आ रहा। खैर अब जो भी हो, मैं फटाफट से पुलिस स्टेशन निकलता हूँ, उन लोगों से ज़रा लिस्ट निकलवाता हूँ मैं कि कितने लोगों को आज तक सर्वेंट डांसिंग लेडी ने किडनैप किया है और कितने लोगों को मतलब घर के आगे से किडनैप किया है। चलो भाई आ गया आ गया आ गया, पुलिस स्टेशन आ गया मैं। चलो भाई पुलिस वालों की ही गाड़ी है वैसे ये। ओके आराम से यहाँ पर लगा देते हैं। चलो भाई रात को तो एक गाड़ी नहीं मिल रही थी,
ओके कोई है अंदर? हाँ वो तेरा पुलिस वाला। हेलो सर। हेलो, अरे तुम फिर आ गए। सर वो पता करना है मेरे को सर्वे डांसिंग लेडी के बारे में। नहीं नहीं मेरे को रिपोर्ट लिखवानी है सबसे पहले। किस बारे में? सर्वे डांसिंग लेडी के खिलाफ। उसके खिलाफ तो रिपोर्ट नहीं लिख सकते हम लोग। पहले ये बताओ उसने किया क्या है। उसने शिंजन भिंजन और चॉप को किडनैप किया है। तुम्हें कैसे पता? उन लोगों ने मुझे फोन किया था फिर बताया था। अच्छा ठीक है, मैं रिपोर्ट तो लिख लूंगा लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी के खिलाफ नहीं, मिसिंग रिपोर्ट लिख लूंगा। अरे सर जो भी लिखना है पहले रिपोर्ट तो लिखो। लिखता हूँ। अरे यार कैसा पुलिस वाला बैठा रखा है लॉस सैंटोस वालों ने। चलो लिख दी रिपोर्ट। हाँ तो वो सर्बियन डांसिंग लेडी ने आज तक कितने लोगों को किडनैप किया है? बहुत सारे लोगों को, हमें गिनती नहीं पता। तो इतना तो बता दो किसी को घर के आगे से किडनैप किया है? नहीं तो जितने भी लोगों को सर्बियन डांसिंग लेडी ने आज तक किडनैप किया है सबको या तो हाईवे पे से या सड़क पे से या फिर कहीं और से, लेकिन घर के आगे से तो नहीं। लेकिन ये शिंचन पिंचन और चोप को घर के आगे से किडनैप किया है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जो भी है पता लगाओ सर, जल्दी कुछ तो करो। मैं क्या कर सकता हूँ? अबे यार ये लॉस सैंटोस के ना पुलिस वाले काम आ रहे हैं ना लेस्टर काम आ रहा है, क्या करूँ मैं? इस सर्बियन डांसिंग लेडी को जितना हल्के में ले रहा था गाइस, ये तो उससे भी कई ज्यादा खतरनाक निकली भाई। मैं हल्के में ले रहा था कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4 लोगों की गैंग होगी, ये लोग सब झूठ है। बट मेरे को तो अब थोड़ा थोड़ा सच लगने लग गया ये सर्बियन डांसिंग लेडी का सीन, क्योंकि यार उसने शिंचन पिंचन चॉप के बारे में पता कैसे लगाया और उन लोगों को मेरे घर के बारे में कैसे पता चला, और उन लोगों को ये कैसे पता चला कि मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ उनको पकड़ने की। आई हैव नो आइडिया गाइस क्या सीन है। मुझे तो सच बताओ क्लियरली कुछ में समझ में नहीं आ रहा कि शिंचन पिंचन चॉप को क्यों पकड़ के ले गई है वो सर्बियन डांसिंग लेडी, जबकि आज तक 2 बंदों को भी एक साथ नहीं पकड़ा उसने, सिर्फ 1 बंदों को, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम 3 बंदों को एक साथ गायब करके ले गई है। क्या सीन हो सकता है? वैसे मेरे पास एक बहुत ही क्रेजी आइडिया आया है यार, रुको रुको, लिटरली मैं बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है, तुम लोग भी गाइस चौंक जाओगे इस आइडिया को सुनने के बाद। देखो सर्बियन डांसिंग लेडी जो है, हमें तो पहले यही चीज़ नहीं पता कि वो घोस्ट है या फिर रियल है, ठीक है? तो वो पता करने का मेरे पास एक तरीका आ चुका है। सर्बियन डांसिंग लेडी हमारे घर पे आई थी, ठीक है, सीधी सी बात है शिंजन मिंजन और चॉप को वही पकड़ के ले गई है, लेकिन वो पकड़ के ले तो ले कैसे गई और वो हमारे घर पे आई तो आई कैसे? बाइक से, गाड़ी से, या टेलीपोर्ट होके अपनी पावर का यूज करके? और शिंचन पिंचन और चॉप को ले कैसे गई, गाड़ी से, बाइक से, वैन से, या फिर उनको बेहोश करके अपने संग टेलीपोर्ट करके ले गई? ये सब पता चल जाएगा हमारे घर के बगल में जो हमारे पड़ोसी हैं उनके सीसीटीवी कैमरा से। यस गाइस, अब सीसीटीवी कैमरा सब कुछ सच बता देगा इस सर्बियन डांसिंग लेडी का कि क्या ये रियल है या फिर फेक है। अब तुम लोग देखो मेरी खतरनाक वाली ड्राइविंग और पहुंचते हैं सीधा अभी अपने घर की तरफ। लेट्स गो गाइस। चलो 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 भाई चलो, लेट्स गो। गाड़ी का क्या हाल हो गया है यार, पुलिस वालों की गाड़ी है ये? कोई बात नहीं, आ गए आ गए आ गए घर पे आ गए। देखो मैं बताता हूँ किसकी किसकी सीसीटीवी कैमरा। एक तो सीसीटीवी हमें भी लगवा लेना चाहिए, एक सीसीटीवी कैमरा। इनके भी नहीं है शायद, नहीं इनके भी नहीं है। किसके था? एक था यार सीसीटीवी कैमरा, मैंने नोटिस किया है, पता नहीं किसके सीसीटीवी कैमरा था वो। एक सेकेंड। हाँ ये इनके यहाँ था, हाँ इनके यहाँ था ये तो रहा। देखो भाई अगर इस रास्ते से आई होगी वो सर्बियन डांसिंग लेडी तो रात की फुटेज इसमें ज़रूर होगी। मान लो उस वाले रास्ते से आई होगी, हमारे घर पे आने के 2 रास्ते हैं, मान लो सामने वाले रास्ते से आई होगी तो उसकी भी फुटेज मिल जाएगी। इधर किसी न किसी के और सीसीटीवी ज़रूर लगा होगा। लेट मी चेक। इधर तो सीसीटीवी नहीं लगा है यार किसी के। अबे यार ये बंदे लगवाते क्यों नहीं है सीसीटीवी अपने घर के आगे? वैसे मैंने भी नहीं लगवा रखा है, लगवाना चाहिए भाई, ऐसे सब सीरियस सिचुएशन में काम आती है फुटेजेस। इधर तो किसी की सीसीटीवी ही नहीं है, क्या करूँ मैं अब? कोई बात नहीं, वो जो सीसीटीवी है उसी की फुटेज लेते हैं और ज़रा देखते हैं गाइस फुटेज में कुछ है क्या रात का सीन। इट्स को इन वाली आंटी से मांगना पड़ेगा, यहीं था ना? हाँ हेलो, कोई है? सीसीटीवी की फुटेज चाहिए। चलो 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 चलो, फुटेज मिल गई। अभी घर चलते हैं, इसको टीवी में लगाते हैं और देखते हैं गाइस क्या है फुटेज के अंदर। लेकिन क्या पता वो लोग इस साइड से आए हो, पता नहीं। अरे ये दरवाज़ा तो लॉक्ड है, इधर से चलते हैं इधर से। चलो चलो जल्दी, ये रहा अपना टीवी, लगाता हूँ फुटेज, लेट्स गो। ओके, पूरी रात की फुटेज देख ली यार, यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोई नहीं आया है।
एक गाड़ी छोड़ो, एक बाइक छोड़ो, एक बंदा छोड़ो, कुछ भी नहीं दिख रहा है इस फुटेज के अंदर। तो मतलब फुटेज तो क्लियर है लेकिन कोई भी सड़क पे आता जाता नहीं दिख रहा है। मतलब वो सर्वियन डांसिंग लेडी इस साइड से तो नहीं आई है, तो फिर दूसरी साइड से आई होगी। इस साइड से पता नहीं भाई क्या सीन है सर्वियन डांसिंग लेडी का। मैं नेक्स्ट एपिसोड में ज़रा सीसीटीवी फुटेजेस और देखूंगा, किसी ना किसी घर के आगे तो लगे होंगे, और फिर उसमें पता करने की कोशिश करूंगा गाइस कि सर्वियन डांसिंग लेडी आखिरकार आती कैसे और लोगों को किडनैप कैसे करती है। बाकी शिनचैन बिनचैन और चॉप को तो मैं कुछ होने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो तुम लोग गाइस। बस जाकर तुम लोग फटाफट से इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर तुम लोग इस पूरी की पूरी सीरीज को देखना चाहते हो, अगर तुम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड नहीं देखे हैं तो यहां पर क्लिक करके देख सकते हो भाई, यहां पर यस यहां पर क्लिक करके तुम लोग सारे एपिसोड देख सकते हो। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सर्बियन डांसिंग लेडी को तो छोड़ूंगा नहीं मैं।